हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं शाहि हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो जी हैं दोस्तों ये वीडियो स्पेशल इस इसलिए क्योंकि कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि मैम जो हमारा इवेंट होना था सेवनटीन ऑफ मार्च को वो हो गया या नहीं उसका क्या रहा या हमें उसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए इस तरह के बहुत सारे जो हमारे पास फ़ोन्स आए तो दोस्तों उन सभी के फ़ोन का एक ही रिप्लाई है इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले सो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल यानी कि 17 मार्च का जो हमारा इवेंट था वो बहुत ही शानदार रहा जिसका कि नाम था बेस्ट मोमेंट इवेंट्स जी हाँ दोस्तों इतना जबरदस्त वहां पर लाइटिंग थी आप यहाँ देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये जो हुआ ये हुआ हमारी ऑन पैसिव की पार्टनरशिप के साथ कि हमारी वहां पर पार्टनरशिप थी या आप ये भी कह सकते हैं कि पावर्ड बाय ऑन पैसिव या पावर्ड बाय ओ मीडिया और अगर बात की जाए ये जो शो था यानी कि ये जो सिंगिंग शो था या आपका ये संगीत समारोह था ये जो है इराक के एक सिंगर थे जिनका कि नाम है आप सब जानते हैं माजिद अल मुहादिस्स इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था बहुत ही शानदार इनकी वॉइस है कि मतलब जब आदमी सुने तो बिल्कुल वो खो जाए यानी कि इनको नाम भी दिया गया दोस्तों वॉइस ऑफ डायमंड इनको कहा जाता है दूसरी बात अगर की जाए तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इनसे प्यार भी करते हैं वैसे तो मैंने आप सबको कल भी क्लियर किया था अपने वीडियोज़ में कि जो हमारा ये कोको कोला वाला पोस्टर था वो सरासर गलत था क्योंकि इसको कोको कोला ने स्पॉन्सर नहीं किया है ये जो कोको कोला का जो पोस्टर था बेसिकली ये जो इवेंट हुआ है यानी कि हमारा जो बेस्ट मोमेंट इवेंट हुआ है वो कोको कोला अरीना एक 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 तरह से एक इवेंट प्लेस था जहां पर कि ये हमारा बेस्ट मोमेंट इवेंट्स का पूरा प्रोग्राम हुआ और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए आप यहां पर जो है गैदरिंग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त गैदरिंग होगी एक्सपेक्ट कीजिए कि कितनी हो सकती है या मैं आपको बताती हूं दोस्तों ये वन मिलियन पीपल के साथ रहा ये जो हमारा इवेंट हुआ तो कि यहाँ पे करीब वन मिलियन पीपल थे जो कि इस इवेंट को देख रहे थे इस समारोह को देख रहे थे और वहाँ पर आपको दोस्तों ऑन पैसिड के लोगों नज़र आ रहे थे जैसे कि आपने पहले भी देखा हमारे यहाँ पर भी अभी आप देख रहे हैं पिक्चर्स में कि किस तरह से जो है ऑनपासिव की मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है और जो हमने हमने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया था जो कि बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें भी आपने देखा कि बैक एंड पे जो बैक में बोर्ड जो लगा हुआ था उस पर हमारे ऑनपासिप के लोगों से तो पूरी तरह से हमारी ऑनपासिप की जो मार्केटिंग बहुत ही शानदार तरीके से की जा रही है और दोस्तों जब भी किसी भी मीडिया से बात होती है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे जो बोर्ड लगा है वहाँ पर आपको जो है ऑन पैसिव दिखाई देता है और आने वाले टाइम में दोस्तों इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे आपको जो है हर जगह पर ऑन पैसिव नज़र आने वाला है दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए कि हमारे जो जितने भी लोग वहां पर हैं यानी कि अगर यहाँ वन मिलियन लोग हैं तो डेफिनेटली उनकी नज़र ऑन पैसिव पर जरूर पड़ी होगी और फिर बुर्ज खलीफा पे भी आपने हमारी मार्केटिंग देखी जब बार बार हम ये बात करते हैं मेट्रो स्टेशन बुर्ज खलीफा तो लाखों करोड़ों लोग आज ऑन पैसिव को देख रहे और उसके साथ आ रहे हैं तो जो एक आंखों से जब इंसान देखता है ना उस चीज़ को वो अट्रैक्ट करता है फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ऑन पैसिव ने जो है टाई अप कर रखा है जैसे कि अभी हमें तभी बताया जाता है कि अभी हमें जो है कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी हमारे पास पूरा प्री प्लैट कर रखा है मिस्टर रैश ने कि किस तरह से हमें अपने आगे बढ़ते चले जाना है और अगर बात की जाए अभी फर्स्ट फेज है ऑन पैसिव का ये स्टार्टिंग फेज है दोस्तों आने वाले टाइम में आप देखिए 2025 तक ऑन पैसिव में क्या क्या होने वाला है सो स्ट्रेट यून फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू सो मच टेक केयर